गुड मॉर्निंग गाइस। सो मायके में ये मेरा नेक्स्ट डे है, मतलब कल आए थे रात को। और ये हर्षिता की नानी ने हर्षिता के लिए ड्रेस, एक्चुअली दूसरा ड्रेस लाए थे, मैं एक्सचेंज करके एक फ्रॉक लाई थी। और हमारे इधर अच्छे से कुछ ड्रेस मिलता ही नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद ये मिला है, बिना मन के लाना पड़ा। और इधर सुबह सुबह काम हो रहा है, क्या बोलते हैं इन लोगों को, खाना बनाने वाला जो है कुक वगैरह आ चुका है। और आज फैस खाना बनेगी प्योरली, जहाँ लहसुन प्याज नहीं बनेगा, शुद्ध शाकाहारी जो बोलता है। सो चूल्हा वगैरह इसीलिए अंदर बाहर निकाला है कि घर में नॉनवेज वगैरह बनता है। सो अभी मंदिर वगैरह मम्मी साफ करेंगे, उसके बाद बाकी का थोड़ा बहुत काम हो रहा है। ये केले का पत्ता, बेल पत्र, आम पत्र और जो जो चाहिए वो सब लाए हैं। मम्मी चाय पी रहे हैं और इधर दोनों बच्ची भी चाय पी रहे हैं, वो मेरे भाई की बेटी है। और हम लोग ये जगह खाली कर चुके हैं, इधर होगा पूजा और बाकी घर का काम हो रहा है। ज़्यादा ठंड लग रहा है। मम्मी सुबह सुबह उठकर स्कूल में, क्या होता है, आज 26 जनवरी का फ्लैग था जो उसके लिए, नहा धो लिया सभी ने। अभी धीरे धीरे करके सब कुछ रेडी हो रहा है, पूजा का रेडी हो रहा है। मैंने थ्रेडिंग नहीं किया है, करने का टाइम भी नहीं मिला है। अभी थोड़ा सा बाहर हूँ क्योंकि धूप निकला हुआ है। और ये मैं मम्मी के मोबाइल से ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल कल ख़राब हो गया था। सो मैं रास्ते का ज़्यादा कुछ, मतलब सोच रहा था कुछ बनाऊँगी, वीडियो वगैरह नहीं हुआ था। देखती हूँ क्या क्या होगा या नहीं होगा, दूसरों से मांगना पड़ेगा। शायद जिठानी के मोबाइल में थोड़ा सा वीडियो है, देखती हूँ उस सब मेमोरी अगर मिले तो, अगर थोड़ा ब्लॉग बना पाऊँ तो ठीक है, वरना नहीं तो अभी जाना पड़ेगा। नहीं, फ़ोन करेंगे पहले, देखती हूँ मोबाइल का क्या हाल असर हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, जस्ट थोड़ा सा मैं गाड़ी में झटका लगा, मोबाइल हाथ से गिरा और मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। और अभी हम लोग धीरे धीरे करके सब कुछ काम हो रहा है, पूजा का रेडी कर रहा है। और बाकी मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा जो काम था मेरा कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा जस्ट धूप में सूख रही हूँ, इसलिए देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। इधर ये तीनों, सो ब्राह्मण आ चुका है और काम लगभग रेडी है। हर्षिता ने अब बड़ा वाला ड्रेस नहीं पहना है और उन्होंने, मतलब जेठानी ने जो ड्रेस दिया था वही पहना, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा मोटा है ना। सो वो और अंदर नानी ने और एक ड्रेस दिया था वो भी पहना है। और इधर अभी चंदन खींच रहा है। सो पूजा का सारा काम हो रहा है, गीता पाठ के लिए लोग भी आ रहा है, जो समाज के लोग बोलते हैं ना, हमारे इधर के जो गांव के लोग हैं वो गीता पाठ करेंगे। और इस और आज से मेरी पापा का 7th डेथ एनिवर्सरी है। सो हम लोग हर साल ये बनाते हैं और क्या बोलूँ अच्छा भी नहीं लग रहा है अच्छा अभी, बट फिर भी मतलब होता है ना ये दिन। एक इसी दिन के लिए मैं शायद इतने दूर ट्रैवलिंग करके जाने के लिए मम्मी ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। सो अभी काम रेडी हो गया, इसको श्राद्ध बोलते हैं शायद, श्राद्ध नहीं, श्राद्ध तो जिस टाइम पे डेथ होता है उसी टाइम पे जो कुछ करता है उसको श्राद्ध बोलता है। बट ये एक वार्षिक उनकी, मतलब क्या बोलते हैं, आत्मा की शांति के लिए हर साल जो करता है, इसको पूजा ही बोल सकते हो आप लोग। सो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जैसे ही हो सकता है, हमारे हर साल करता है और इस साल भी। सो मैं एक्चुअली इसमें ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ। सो मम्मी ने बोला इस बार ज़्यादा दूर नहीं हो तो आ जाइए, मैं बोला ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं जो भी होगा होगा। क्योंकि हर्षिता का भी तबीयत ठीक नहीं था, मेरा भी आई इन्फेक्शन चल रहा था, सिर्फ ठीक हो गया था तभी ज़्यादा जा रही थी। सो अभी पूजा का तिथि चल रहा है और आशा करती हूँ पापा जहाँ भी है तो हमें मतलब देखकर एटलीस्ट जहाँ भी है खुश है, हम भी मतलब
क्या बोलते हैं होता है ना, एक घर का पिलर जब नहीं रहता है उसको हम जितना भी हम लोग आगे बढ़े जैसे भी बढ़े बट उनको हम मिस तो ज़रूर करते हैं लाइफ में, हर किसी की कमी होता ही है। बट ये है मेरे पापा के नीचे वाले जो भाई है, काका है हमारा। सो अभी पापा लोग 4 भाई थे तो उनमें से सिर्फ 2 बच्चा है और 2 की डेथ हो चुके हैं। सो अभी पिन डान और जो पूजा वगैरह है हो चुका है और हम लोग फास्ट में खाना खा रहे थे क्योंकि सुबह से हम लोग अच्छी तरीके से कुछ खाए नहीं थे, फास्ट में थे। तो जल्दी जल्दी गेस्ट आने से पहले गांव के लोग आके थे सब लोग, तो हम लोग सभी लोग एक साथ बाहर ही खाना खा रहे थे और इधर ये सब चल रहा था क्या क्या बनेगा नहीं बनेगा, खाना बन रहा था और हम लोगों के लिए इधर घर का है, हम लोग खा रहे थे क्योंकि गेस्ट आएंगे ना तो टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, अच्छा भी नहीं लगेगा। और मुझे जल्दी जल्दी मोबाइल लाने जाना है, मोबाइल वाले अंकल ने फ़ोन किया था, मोबाइल हो चुका है, मम्मी भी दही चूड़ा खाएँगे, देख मैं नहीं खाऊँगी। सो गेस्ट वेस्ट आके चले गए, मेरे मोबाइल भी ठीक हो गया है एटलीस्ट, पैसा ज़्यादा लगा। और अभी हस्बैंड चले गए उनके गांव और हम इधर ही रह गए और हम लोग शाम को गेस्ट बेड जब चले गए तो आंटी लोग ये पकौड़े बना रहे थे और हम लोग पकौड़े का मज़ा ले रहे थे ठंड के मौसम में। सो आप लोगों से मिलती हूँ और एक ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं और एक ब्लॉग में।